गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 10 नंबर। तो 5 के 10 नंबर का जो सवाल है वो कुछ इस प्रकार से है, 1 plus 10 square a by 1 plus cot square a equal to 1 minus 10 a 1 minus cot a का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर a। मतलब क्या हुआ कि आपको LHS भी निकालना है और RHS भी निकालना है और दोनों का आंसर जो है वो 10 स्क्वायर a आना चाहिए, यह आपको प्रूफ करना है। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं और देख लेते हैं इसके हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग LHS को ले लेंगे, 1 प्लस 10 स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो हम लोग जानते हैं 10 a का फॉर्मूला sin बाय cos होते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर a का फॉर्मूला cos बाय sin होते हैं, तो हम लोग बाय sin स्क्वायर a। तो अब हम लोग को जो करना है वो इसमें एलसीएम लेंगे। तो चलिए cos स्क्वायर a का cos स्क्वायर a और 1 के नीचे 1 है, तो चलिए cos स्क्वायर a एलसीएम हो गया। तो यहां पर cos स्क्वायर a हो जाएंगे और यहां sin स्क्वायर a, यहां पर आपका sin स्क्वायर a एलसीएम हो जाएंगे और यहां पर आपका आ जाएगा sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर कुछ इस प्रकार से। अब जो है यहां पर देखिए हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, तो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a इनटू, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाय, तो इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। तो देखिए दोनों आपस में कट जाता है और यहां पर आ गया sin स्क्वायर a बाय cos स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर a by cos स्क्वायर a equal to 10 स्क्वायर a। ये एक तरह से प्रूव हो गया LHS, जिससे कि ये आ जाता है। अब हम लोगों को RHS प्रूव करके देखना है क्या इसमें भी हम लोगों को 10 स्क्वायर a मिलता है या नहीं। तो चलिए हम लोग इसको, आप लोग चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग चले जाएंगे RHS में, तो 1 माइनस 10 a बाय 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। तो इसमें भी सेम फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, 1 माइनस 10 का फॉर्मूला sin बाय cos, sin a बाय cos a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos बाय sin a, ये हो गया। अब हम लोग जो है इसको उसी प्रकार से तोड़ेंगे, cos a एलसीएम हो जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा cos a माइनस sin a। फिर हम लोग यहां पर भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे sin a को, तो यहां पर आ जाएगा sin a माइनस cos a दोनों का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब हम लोग जो करेंगे इसमें cos a माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इनटू, इसको पलट देंगे, तो साइन ए बाय, इसको अरेंज कर लेते हैं, कॉस ए माइनस का होल स्क्वायर। अब देखिए कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए कट गया आपस में, तो साइन ए बाय कॉस ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए बाय कॉस ए क्या होते हैं हम लोग जानते हैं अच्छा से, टेन ए, तो 10 a का होल स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर a। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये मैथ अच्छे से समझ में आ गया है। हम लोग देख लिए किस तरह से LHS और RHS से दोनों से ही हम लोग को आंसर जो है वो 10 स्क्वायर a प्राप्त हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है, जय हिंद।